नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र में गुलाब का फूल किस जगह चढ़ा देने से हमारे घर में धन दौलत और लक्ष्मी आती है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी क्या चल रहा है, तो अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है और यह नवरात्र का पर्व में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और यह माता के 9 अलग अलग रूप हमारे सभी दुखों को, हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। जो भी इस नवरात्र में सच्चे मन से, सच्चे लगन से माता का ध्यान करता है, उसकी सारी दुख दूर होती है, उसे सुख शांति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इसी नवरात्रि में मैं करने वाला आपको एक उपाय बताऊंगा, जिसे आप करेंगे तो क्या है कि आपके घर में जो लक्ष्मी की कमी है वो दूर हो जाएगी, घर में धन दौलत बढ़ने लगेगा। तो इस उपाय को नवरात्रि में करना है, तो चलिए जानते हैं बारी बारी से कि कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कपूर की। तो हमें थोड़ा सा कपूर ले लेना है, 4-5 कपूर का टुकड़ा। और उसके बाद कपूर लेने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पान का पत्ता। हमें एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता हमें साफ़ और स्वच्छ लेना है। अगर डंडी वाला पान का पत्ता हो तो बढ़िया है, ना भी हो तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें कपूर ले लेना है, उसके बाद हमें लेना है एक पान का पत्ता और उसके बाद हमें लेना है एक गुलाब का फूल। और हमें क्या करना है कि जो हमने गुलाब का फूल लिया है, उस फूल की पंखुड़ी को निकाल लेना है, क्योंकि हमें पंखुड़ी का ही इस्तेमाल करना है। तो हमें उस गुलाब की फूल की पंखुड़ी को निकाल लेना है। और इन चीज़ों को लेने के बाद हमें क्या करना है कि नवरात्रि में किसी भी दिन, ये नहीं कि कोई खास दिन, किसी भी दिन हमें क्या करना है, शाम के समय सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की कपूर से आरती कर लेनी है। जो माता लक्ष्मी की आरती है हमें कपूर जलाकर कर लेना है। और उसके बाद जो हमने चीज़ें ली हैं, तो हमें क्या करना है कि शाम के समय ही जब हम आरती कर लें कपूर से माता लक्ष्मी की, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस पान के पत्ते को लेना है और उस पर हमें क्या करना है कि जो हमने गुलाब की पंखुड़ी ली है उसको उस पत्ते पर रखकर हमें माता को चढ़ा देनी है, माता को समर्पित कर देनी है। और ऐसा करने के बाद हमें उन्हें माता का ध्यान करना है, माता को प्रणाम करना है और अपने घर में सुख शांति और लक्ष्मी की कामना करनी है शाम के समय नवरात्र में किसी भी दिन। इस उपाय को करना है, तो जब हम इस उपाय को करेंगे तो इससे क्या है कि माता काफ़ी प्रसन्न होंगी और उनका वास, यानी माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होगा। और जाहिर सी बात है कि इससे हमारे घर में धन दौलत की वृद्धि होगी, जो लक्ष्मी की कमी है वो दूर होगी, हमारे घर में धन दौलत समृद्धि बनी रहेगी, निरंतर परिवार आगे बढ़ता रहेगा। तो इस उपाय को आप करें नवरात्र में किसी भी दिन शाम के समय, पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखकर माता को समर्पित करें, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताया गया बात, बताया गया उपाय आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।